हाँ, ये कुछ चीज़ें मैं आपको और लिखवा रहा हूँ। अगर अगर आता है पंसारी की दुकान पर, यदि इसको जल में डाल दिया जावे और उससे फिर तर्पण किया जावे तो सुख और संपदा की कोई कमी नहीं रहती। अत्य सुख चल के आता है, उसे वैभव चल के आता है। अगर ऐसी रूखड़ी टुकड़ी मिलती है बाजार में, हम इस तर्पण में ये सब चीज़ें प्रयोग में, अब कोई करे तो तब जब उन्हें जानकारी हो कि ये भी चीज़ें तर्पण में, आप भी पहली बार सुन रहे होंगे, ये सब चीज़ें जल में डाली जाती हैं और उससे जो तर्पण किया जाता है, तिल डाला जाता है, घोर गरीबी का नाश कर देता है। तिल की इतनी, तिल डालने की और भी बहुत बड़ी महिमा है। ये मैं आपको अगर की लकड़ी के लिए बोल रहा हूँ। अगर की लकड़ी आप डालते हैं, इतनी पंसारी की दुकान से टुकड़ी लीजिएगा और उसको जल में डाल करके, और फिर उसको अगर मिश्रित जल से आप तर्पण करते हैं तो पूर्वज तो संतुष्ट हो ही रहे हैं, लेकिन उसकी फलश्रुति ये और बढ़ जाती है अपने आप में, तो इससे सुख की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात नारियल के पानी से यदि तर्पण किया जावे तो इससे दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपका जो कोई निजी संकल्प है उसकी पूर्ति होती है, और संतान की प्राप्ति के लिए बहुत आगे है। नारियल का जल, हरा नारियल तोड़कर उसका पानी निकाला जाए, फिर उसको जल में डाला जाए, फिर उस जल के द्वारा तर्पण किया जावे, तो वैसी नारी जिसने 20-20 साल तक संतान को जन्म दिया नहीं दिया है, उसका बांझपन समाप्त हो जाता है। अपना कोई निजी संकल्प है उसकी पूर्ति हो जाती है और घर में संतति का जन्म हो जाता है, उसको संतान जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। ये नारियल के जल से तर्पण करने की ये इतनी बड़ी महिमा है। बात समझ में आ रही है? इन सब चीज़ों को हम यहाँ प्रयोग में लेंगे। मुझे तो इतना तक अभी पता लग गया है कि कौन से दिन का श्राद्ध आपको क्या देने वाला है, और आज की कथा में मैं निवेदन करूँगा। मैंने गरुण पुराण की कथा पिछले बार भी की है, लेकिन पिछले साल से मैं कोई मंत्र भूला नहीं हूँ, थोड़ा बहुत अध्ययन कुछ ज़्यादा ही हो गया होगा, कम की तो कोई बातें ही नहीं है, तो और ज़्यादा आनंद का अनुभव होगा। ये देखिए आचार्य लोग ये तर्पण कर रहे हैं। आचार्य रामकुमार शास्त्री जी बोल रहे थे कि इनका तो दर्शन करके ही कल्याण हो जाता है, और ऐसे पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, और आप लगभग 300 ब्राह्मणों का दर्शन आप रोज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी ब्राह्मणों की संख्या, अरे तीन ब्राह्मण नहीं मिलते यहाँ, तीन शतक ब्राह्मण के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मैं तो बड़ा बड़भागी हूँ, इस हॉल में भोर में सबसे पहले मुझे इन ब्राह्मण देवताओं का दर्शन होता है, और मैं पूरा का पूरा पोटला आपके पितरों की तरफ ओढ़ेल देता हूँ, वो आनंदोत मग्न हो जाए, वो अति प्रसन्न हो जाए। नारियल के जल के द्वारा पानी में डाल करके और उसमें स्वार्थ सिद्धि हो जाती है। एक चीज़ और भी है, वो मैं आपको नहीं मालूम बताऊँगा, वो शत्रु का दमन करने के लिए, तो वो मैंने उसको छोड़ दिया है। तत्पश्चात मधु से यदि कोई तर्पण कर ले, शहद डालकर पानी में तर्पण कर ले, ये 100% बात शाश्वत है, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, और इतना सिद्ध आपके जप में इतनी सिद्धि आ जाएगी, मंत्र में इतनी सिद्धि आ जाएगी, रोगी को आपने अपने मंत्र के द्वारा दूध गंगा जल पढ़ करके दे दिया तो उसको तत्काल आरोग्यता मिल जाएगी। शहद जल में डालकर, ये लिख लें, आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी बातें, तो ये मेरा सर्च है, ये मेरा रिसर्च है, ये मेरा शोध है, ये मैंने ग्रंथों में इसको पकड़ा है, इतने ग्रंथों की कथा की, मैं 58वां ग्रंथ कह रहा हूँ 17वें महीने में, तो मैंने इतने पुराणों को झांक लिया है, उन्हें बिल्कुल एकदम मैंने उसके अंदर प्रवेश करके उसको इतना टटोल लिया है, तो उनमें से सब बातें मैंने निकाल कर, इसकी बहुत बातें वराह पुराण में बहुत बड़े पितृ श्राद्ध तर्पण की बात कही गई है, तो ये कुछ बातें मैं वहाँ की आपके बीच में ये रख रहा हूँ। गरुण पुराण की तो है ही, इसमें 12 पुराण की बहुत बातें, इसमें कुछ 52 पुराण की बातें हैं जो मैं आपके बीच में बात रख रहा हूँ। तो मधु से, शहद से यदि आप तर्पण पूर्वजों का करते हैं, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपको भजन में नींद नहीं आएगी, आपको आराधना और साधना में आलस्य नहीं आएगा, कभी आपको प्रमाण नहीं आएगा। सबसे और गजब की बात यह है कि रात को कभी भी गलत स्वप्न नहीं आएंगे,
जो रात्रि में भयावने स्वप्न देखते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। यदि वह जल में ये मधु यानी शहद डाल करके तर्पण हो जाए तो इस समस्या का समाधान शीघ्र ही हो जाए। ये शहद जल में डालकर उसका तर्पण करने का ये इतना बड़ा अपने आप में प्रभाव है। तत्पश्चात जल में दूध डालने से, कच्चा दूध जल में डालने से, तर्पण करने से पितर तो प्रसन्न होते ही हैं और अपने जीवन के संपूर्ण रोगों का नाश हो जाता है। ऐसी अंदरूनी बीमारियां, मैं तो कहना चाहूँगा जिन डॉक्टर्स लोगों ने आपको ये कुछ ऐसा बोल दिया है तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम्हें दवाई नहीं लगेगी, उनको गौ माता का कच्चा दुग्ध पानी में डाल करके फिर उसका महातर्पण किया जावे तो यह रोग नाशक हो जाता है, इससे रोग समाप्त हो जाते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। और तत्पश्चात यदि किसी ने ये कह दिया है कि आपकी उम्र के में आयु के में है, ये महामृत्युंजय जप का काम करता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जल में इतना ध्यान रखना है, जितनी भी चीजें मैंने बताई उसमें दूध सब में डलेगा, ये चीजें हैं, ये सब एक्स्ट्रा हैं। दूध के बिना, तिल के बिना तर्पण लगता नहीं है, दूध और तिल तो उसमें डालना ही है, इसके अलावा ये चीजें सब एक्स्ट्रा हैं जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। यदि किसी की उम्र कम है, ये कह दिया है ज्योतिषी ने कि तुम्हारी आयु में अल्पायु के योग बन रहे हैं, तो ऐसे लोग जल में घी मिलाकर, गौ माता के देसी घी की बूंदें डालकर यदि फिर उससे तर्पण किया जाता है तो व्यक्ति शतायु हो जाता है, उसकी लंबी आयु हो जाती है, वो दीर्घ आयु जीवन जी करके जाता है। ये घी डालकर तर्पण करने की ये बहुत बड़ी ये महिमा है। तो ये तर्पण की कुछ बातें, ये मैं रोज बताता रहूँगा, तर्पण के लिए मैं नित्य बोलूँगा, रोज बोलूँगा। वेदांत तो ये भी है कि जब आप पूजा में से खड़े होते हैं, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, ऐसे एक 5 अंजलि 7 अंजलि जल एक बर्तन में पानी रखो और उसको, इसमें माताएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, ऐसे जल लें और उसको दक्षिण की तरफ, ऐसे देवताओं को पानी ऐसे दिया जाता है और पूर्वजों को जल ऐसे दिया जाता है। ये तो रोज का विधान है, ये तर्पण तो होना ही चाहिए, यजनों में तर्पण का विधान बताया गया है। तर्पण के प्रति श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखिए तर्पण के प्रति, आप श्रद्धा रखें तर्पण के प्रति,